हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिमांड फोरकास्टिंग, उसका मीनिंग एंड फीचर्स। आज हम डिस्कस करेंगे उसका सिग्निफिकेंस। सो डिमांड एस्टिमेशन या फिर फोरकास्टिंग की यूजफुलनेस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला पॉइंट है टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग हमें पता लग जाता है कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होने वाली है। अगर हमें डिमांड का आइडिया है, उसी अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे। अब प्रोडक्शन भी हम एक्यूरेट करेंगे, ज्यादा भी नहीं करेंगे, कम भी नहीं करेंगे। तो डिमांड फोरकास्टिंग हमें बताता है कि कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन करनी है। एक्यूरेट डिमांड एस्टिमेशन या फिर फोरकास्टिंग एसेंशियल है एक फर्म के लिए, सो दैट वो फर्म रिक्वायर्ड क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सके, राइट टाइम पर प्रोडक्शन कर सके एंड बाकी चीजों को भी इजीली अरेंज कर सके, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें क्या आता है, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, मशीन एक्सेसरीज, लेबर, बिल्डिंग। कुछ फर्म्स तो ऐसी होती हैं जो ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करती है, बट जनरली बाकी सारी फर्म फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करती है। सेकेंड पॉइंट है टू असेस प्रोबेबल डिमांड। डिमांड एस्टिमेशन हेल्प करता है एक फर्म को असेस करने में कि उसके एक प्रोडक्ट की प्रोबेबल डिमांड कितनी होगी, फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। डिमांड पता होगी तभी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है प्लानिंग में, सो दैट हम इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली अपनी प्लानिंग शुरू कर सकें। थर्ड पॉइंट है सेल्स फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग की हेल्प से हम सेल्स भी फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर हमें जनरल डिमांड पता है कि नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, तो हम स्पेसिफिक अपनी फर्म की, अपने प्रोडक्ट की सेल्स को भी फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर हमें सेल्स पता है, सेल्स फोरकास्ट हमने कर ली है, उसी अकॉर्डिंग हम अपने प्रमोशनल टूल्स को यूज करेंगे अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक बजट होना चाहिए, कॉस्ट का, प्रॉफिट का, जो कि बेस्ड होता है एनुअल डिमांड पे। तो डिमांड फोरकास्टिंग की हेल्प से हम अपना बजट प्रिपेयर कर सकते हैं कि क्या हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, क्या सेल्स प्राइस होगा, कितने प्रॉफिट पे हम उसे बेचेंगे। फिफ्थ पॉइंट है इन्वेंट्री कंट्रोल। बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, इन सब का भी एस्टिमेट होना चाहिए, सो दैट हम अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। ये पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। जब हमें पता होगा हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, उसी अकॉर्डिंग हम अपना रॉ मटेरियल एंड इन्वेंट्री तैयार रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। डिमांड एस्टिमेशन की हेल्प से हमें पता होता है कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितना फाइनेंस चाहिए, कितनी लेबर रिक्वायर्ड है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पर मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि स्टेबिलिटी हो, चाहे प्रोडक्शन की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो। डिमांड एस्टिमेशन की हेल्प से हम सूटेबल पॉलिसीज फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि साइक्लिक फ्लक्चुएशन हो जाए कोई, तो उसके लिए कौन सी सूटेबल पॉलिसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्लान इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। विद द हेल्प ऑफ डिमांड एस्टिमेशन हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स एंड स्टेबिलाइजेशन ऑफ एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट अपनी करंट लेबर को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है टू कॉल फॉर अ टीम वर्क। डिमांड एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग एक सिंगल डिपार्टमेंट का काम नहीं है, यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट मिलके ये काम करते हैं। तो एक गुड एस्टिमेशन टीम वर्क से होती है। टीम वर्क किनका? डिपार्टमेंट्स का, जैसे कि जनरल बिजनेस रिसर्च, मार्केट रिसर्च, सेल, प्रोडक्शन, प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट है टू हेल्प द गवर्नमेंट टू प्लान इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज। मैक्रो लेवल पे बात करें तो डिमांड एस्टिमेशन और फोरकास्ट हेल्प करता है गवर्नमेंट को डिटरमाइन करने के लिए कि क्या हमें इंपोर्ट्स की नीड है या फिर हमारा काम डोमेस्टिक सप्लाई से चल सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो क्या प्रमोशनल पॉलिसीज होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है मैन पावर प्लानिंग।
विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग जब हमें पता है हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, उस अकॉर्डिंग हम अपनी मैन पावर को भी इजीली प्लान कर सकते हैं कि कितनी मैन पावर हमें रिक्वायर्ड है, अभी कम है या ज्यादा है। सो ये थे सिग्निफिकेंस डिमांड एस्टिमेशन या फिर फोरकास्टिंग के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे देन लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।